charming faces. They are our pets, our best friends forever. Every Sunday, 7 p.m. only on DD National. चाहिए मुझे तुम्हारी जलेबियाँ, भला इतनी सारी लाने की क्या जरूरत थी? सोहेल घर पे आया इसीलिए ना? तुम्हें सोहेल का घर आना जाना पसंद नहीं भाई, मुझे इसमें कोई वजह नजर नहीं आती। तो शुरू करते हैं। बदतमीज, सलीका नाम की कोई चीज ही नहीं है, जाओ हाथ धो। क्या देखा रोशन, इसे कहते हैं दोस्ती। जबान बहुत चलने लगी है तुम्हारी। तो ये लो कैंची और काट दो जुबान मेरी। देखो चुप हो जाओ वरना। वरना क्या, तलाक दे दोगे? दे दो तलाक। अरे क्या हुआ, कुछ बताते क्यों नहीं? पंडित जी अब क्या बताऊं, आप तो हमारे बुजुर्ग हैं। कल रात को माजिद और भाभी में झगड़ा हो गया। माजिद ने भाभी को धमकी दे दिया और अपना सामान उठा करके कह रहे हैं कि हम अपने मायके जा रहे हैं, अम्मी अब्बू के पास। और कहते हैं कि आज के बाद हम कभी नहीं आएंगे। अब पंडित जी कोई बात होती है? और बार बार माजिद को कहती है कि बाहर जाओ, ज्यादा पैसे कमाओ, ज्यादा पैसे कमाओ। अरे वाह, शाबाश सुहेल मियां। ये बेचारी तो नाहक गुस्सा करती है, आदमी कुछ भी बोलकर उसे धमकाता रहे, लेकिन बीवी बीवी बेचारी मुंह ना खोले भैया। तू चुप कर, घर तोड़ो कहीं की। किसी का घर बसा नहीं सकती, बस आग लगाने को दे दो। तस्बीह कराने की जगह आग में घी और डाल लिए। पंडित जी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये जो कहेंगे वही होगा। अब मैं क्या कहूं भैया हैं? अरे इसका बाप तो मेरा लगोटिया यार था हैं? हम लोग दंगल लड़ा करते थे, होली वो मेरे घर मनाता था और ईद मैं उसके घर। अब आजकल की नई पौध है,
मेरी बात कहीं कच्ची ना हो जाए इसलिए बोलने के पहले मैं सोचता हूँ बोलूं या ना बोलूं। अब पंडित जी आप कैसी बात कर रहे हैं और आपकी बात कोई क्यों नहीं मानेगा? पंडित जी आप हमारी भलाई के लिए मोहल्ला छोड़ के नहीं गए वरना आप किसी हिंदू बस्ती में जाकर के सम्मान के साथ आप वहां पे रह सकते थे। आप बोलिए पंडित जी। ठीक है तो सुनो कोई चाहे जितना गुस्सा करे लेकिन अपनी ब्याहता औरत पर अत्याचार नहीं कर सकता। उसको धमका नहीं सकता ये बहुत बुरी बात है। और फिर अपना माजिद तो सिविल डिप्लोमा में फर्स्ट आया है। देखो बेटा रही बात बहू की तो उसे उस चौखट से इस चौखट पे लाए हैं ब्याह के उसे हम नहीं जाने देंगे। तुझे माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ पंडित जी क्यों नहीं मानेगा? चल 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 माफी मांग चल। हाँ तो मुझे क्या दिक्कत है माफी मांगने में? आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं आप कह रहे हैं तो माफी मांग ले रहे हैं। रोशन मुझे माफ कर दो। बस इतनी बहू अब तो इसने माफी मांग ली है जा अपना सामान नजर लेके जा। उतने ही अरमा हो जितना महंगाई इतनी बढ़ गई है कल को और बढ़ेगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची इस हाल में पले। बाहर तो इन्हें जाना ही होगा। अरे ये तो बाहर जाएगा ही तू तो पहले अंदर जा। अरे अब तुम सब क्या खड़े हो भाई जाओ कोई तमाशा हो रहा है क्या? जाओ जाओ चलो चलो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया देवर जी। अरे आप देवर जी भी कह रही हैं और शुक्रिया भी कर रही हैं। हाँ आप लोग सब आराम से रहिए मैं चला। चलिए पंडित। चना मुरमुरे वाला भैया चना मुरमुरे वाला है चना मुरमुरे वाला भैया चना। आ भैया ले 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 ले। अरे श्यामलाल जी ये सुबह सुबह किसको गालियां दे रहे हैं आप? अरे हम तो अपना सामान बेच रहे हैं इन्हें जाने कहां से चले आवे हैं बेबखत की औलादे। अरे तो उसी बेबखत की औलादों का नाम पूछ रहा हूँ। अरे वही हैं सब लौंडे अब्दुल और ये मुन्ना कल्लू सब हैं। अब तो दिन भर जानवर की तरह घास चढ़ते रहते हैं काम के ना काज के दुश्मन अनाज। तो क्या कोई नुकसान नुकसान तो नहीं किया ना आपका? जी हमारा क्या नुकसान कर जाते हैं लेकिन लेकिन सलीके से बात करना भी एक चीज होती है कि नहीं? अब आप अपने आप ही को देख लो कितने इज्जत से पेश आ रहे हो। जी हम तो आपसे हमेशा इज्जत से ही पेश तो आते हैं। खैर हाँ वैसे कहाँ जा रही है भाईजान की तशरीफ? तो सुबह सुबह मम्मी जान को करेला खाना था तो बस मार्केट से वही करेला खरीदने जा रहे हैं। देखो देखो सुहेल तुम तो शरीफ आदमी हो ना। हमने कौन सी ऐसी बात कह दी? हमने भी तो यही कहा कि करेला खरीदने जा रहा। अबे करेले का नाम मत ले। खरीदने जा रहा हूँ मैं तो अरे सामान करेला करेला खरीदने जा रहा सामान।
अरे जनाब, लगता है बड़ी जल्दी में आप। कहाँ जाना है आपको? अब जनाब, आप जहाँ भेज दे वहाँ चले जाएंगे। जनाब मैं क्या भेजूंगा, मैंने सब लिख रखा है। एबीसी ट्रेवल्स। अरब अमीरात के मुतालिक हजारों नौकरियां, हस्बे हैसियत, हस्बे लियाकत, आप चाहें तो हजारों वीजा लगवा सकते हैं। आप चाहें तो हम वीजे की कतार लगवा सकते हैं। एक बार जरूर पर जरूर मिले, मैं अंदर जाऊं। जनाब रुकिए, अंदर एक आसामी मौजूद है। आसामी? अजी मेरा मतलब है अरब ममालिक जाने वाला तमन्ना ही मौजूद है। ठीक है ठीक है। गुंचे गुंचे में तू महकता है, पत्ता पत्ता तेरी रजा से हिलता है, अपने बंदों को तू आजमाता है, मानता हूं कि तू खुदा है। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। सर अंदर जाओ, शुक्रिया। यार माजिद, माजिद, अरे माजिद। खाला आज माजिद की छुट्टी करनी पड़ेगी। किस तूफान में भाई? पहले मुंह तो मीठा करवाइए। अम्मा पहलिया ना बुझाओ यार, ऑफिस को देर हो रही है। माँ बदौलत एक एजेंट से मिल के आ रहा है माजिद मियाँ। क्या कह रहे हो भाई? हम जो कह रहे हैं ना उस पर जरा गौर फरमाइए। माजिद क्या आलिशान ऑफिस था यार, धड़ल्ले से लोग गल्फ कंट्रीज भेजे जा रहे हैं। सोहेल सीधे सीधे बको वरना मार मार के दुम्बा बना देंगे। गल्फ कंट्री भेजे जा रहे हैं। बताता हूँ, जो अपनी दूसरी वाली गली है ना, सीधे जाकर के नाके पे मिलती है। उसके ठीक बाईं तरफ एक एजेंसी की ऑफिस है मेरे दोस्त। और जब मैं वहां पहुंचा तो सिर्फ तेरा ख्याल। फिर क्या? मैंने तेरी क्वालिफिकेशन बताई, डिग्रियां बताई और वो झट से तैयार हो गया। कौन तैयार हो गया? मां एजेंट तैयार हो गया, तुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया है माजी। सोहेल सच कह रहे हो ना? ईमान से कह रहा हूं माजी। गच्चा तो मैं भी खा गया कि इतना बड़ा काम खाला इतनी आसानी से कैसे हो गया। मैं भी हैरान हो गया। लेकिन माजी यार रौबदार आदमी था यार, उसने कहा कि अपने दोस्त को लेकर के आइए, मैं उसको गल भेजूंगा। कब बुलाया है? आज ही बुलाया, दोपहर को 2 बजे। ऑफिस जाना है यार। ऑफिस को गोली मार यार माजिद, इंटरव्यू के लिए चलना है। और हाँ, हमारी भाभी की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। भाई ऐसी कौन सी ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हो हमारी? माजिद मियां इंटरव्यू देने जा रहे हैं, गर्भ सीधे जाना है इनको। सच भाईजान, आपके मुंह में घी शक्कर। अल्लाह, दुबई, दुबई जाने में तो काफी रुपया लगेगा, मेरे पास तो है ही नहीं, कहां से लाऊंगी? या अल्लाह राह दिखा। सर अगर थोड़े कम पैसे में हो जाए अच्छा रहेगा। मैं इससे कम में कोई करा दे तो मान जाऊं मैं। सर बात तो आप ठीक ही कह रहे होंगे, लेकिन इतने पैसे तो हम सारा सामान बेच के भी नहीं ला पाएंगे। देखिए यहाँ कोई यतीम खाना तो खोल नहीं रखा, अपना तो केवल खरा फरखा वादी है। इस हाथ दे इस हाथ ले, दोस्त अहबाब कब काम है, टटोलिए उनको, 2 महीने के अंदर सब चुका देंगे। ठीक है सर, माजिद पैसे की व्यवस्था हो जाएगी। ठीक है सर, मैं
ऐसा चलता हूँ सर। थैंक यू। थैंक्स। थैंक्स। अल्लाह अल्लाह। ये हो गए बाद वाली चाची के, और ये सभी रहा आपा, और हाँ ये हमीरन चाची। बीपी कम पड़ रहा है, दिखा दे। सारी मेहनत के बाद भी इतनी ही रकम इकट्ठी हो पाई, किस किस के आगे हाथ फैलाऊं। चलिए अम्मी, खाना तैयार। अब ये कहां से आ गए? बाद वाली चाची से। कह रही थी बुरे वक्त के लिए जोड़ रखा था, माजिद के काम आ जाए इससे अच्छा और क्या होगा। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हर शे है जिंदा सिर्फ उसी रब। भाभी जान घर में है क्या? माजिद मियां इस वक्त हम देखते हैं। अम्मी आइए सादी चाचा बैठिए, हम पानी लेकर आ रहे हैं। बड़े दिनों बाद कहाँ मसरूफ रहते हो भाई? बस यूं ही भाभी जान, सब्जी वगैरह के काम में सवेरे से मसरूफ रहता हूँ। सुना है माजिद बाहर जा रहे हैं। देखो कोशिश है कामयाब हो जाए। अम्मी वही कह रही थी, दुकान बढ़ा के आया तो बोली कि भाभी जान से मिलाओ, तो उल्टे पाँव भागते हुए चला आया। ये हमारी तरफ से 11 हजार हैं भाभी जान, माजिद के काम आ जाएंगे। पिछले महीने रबिया का निकाह ना किया होता तो कुछ और भी हो जाते। आप लोगों के कम एहसानात हैं हम पर। अरे भला वो मोहल्ले वालों का, 10-10 हजार 5-5 हजार करके पूरे 72 हजार इकट्ठा हुए। 72 हजार बस, एक से दूसरा सुन रहा है, दूसरे से तीसरा, पैसा इकट्ठा होता जा रहा है। मैंने तो सोचा भी नहीं था। अच्छा भाभी जान चलता हूँ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाला
सनवारी चाचा है। आइए चाचा। जीते रहो बेटा। सलाम भाभी। और क्या हो रहा है? सुना है माजिद में आप विदेश जा रहे हैं? जी, आशीर्वाद है जी आपका। अजी हम कौन होते हैं? सब ऊपर वाले की माया है बा। सुना है एजेंट को देने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी हैगी। तो मुझसे क्या लगवा दिया होता? भाभी हम हिंदू हैं तो क्या इसीलिए पराये हो गए हम? भाई जी। अरे खैर, अब किसी और से मांगने की जरूरत तो नहीं है। कल दुकान से ले लीजिएगा, कल ही तो देने है ना। कल ऐसा करियो, दुकान पे आके रुपए ले जाना। अब मैं चलूं। अच्छा जी, कुछ कुछ खा के तो जाइएगा। दुल्हन? अरे भाभी रहने दो, ये भी अपना घर है और वो भी अपना घर है। बच्चे इंतजार कर रहे होंगे, मैं सीधा दुकान से यहाँ चला आ रहा हूँ। अच्छा भाभी, खुदा हाफिज। माजिद मिलते हैं। आपने अपना काम तो कर दिया, ठीक है, अब आप सब मेरे पे छोड़ दीजिए। आप विश्वास रखते हैं ना मेरे पे? बस अब छोड़ दीजिए और आप निश्चिंत से जाइए, ठीक है? अरे भाई साहब जरा एक मिनट। ये लोग यही ABC एजेंसी थी, वो ताला बंद है। काहे की एजेंसी? वो लोग तो फ्रॉड थे। आपने भी पैसा दिया था, सोचना चाहिए था ना पहले आपको। ना जाने कितने लोगों को आप पैसा मार के चले गए। काफी दिनों से ताला पड़ा है यहाँ पे। ऐसी नौकरी की क्या दीवानी है?
अब ये कहाँ से आ गए? बाद वाली चाची से कह रही थी बुरे वक्त के लिए जोड़ रखा था, माजिद के काम आ जाए इससे अच्छा और क्या होगा। ये हमारी तरफ से 11 हजार हैं भाभी जान, माजिद के काम आ जाए। पिछले महीने रबिया का निकाह ना किया होता तो कुछ और भी हो जाते। सुना है एजेंट को देने के लिए कुछ रुपयों की जरूरत आन पड़ी है, अरे तो मुझसे कहलवा दिया होता। भाभी हम हिंदू हैं तो क्या इसीलिए पराये हो गए? भाई जी, खैर अब किसी और से मांगने की जरूरत तो नहीं है। जितने पैसे कम पड़ रहे हो वो दुकान से आके ले लीजिएगा। भाभी काहे की एजेंसी, वो लोग तो फ्रॉड थे, ना जाने कितने लोगों को पैसा मार के चले गए, काफी दिनों से ताला पड़ा है। दुल्हन मैंने तुम्हें काफी छूट दे रखी, अब ये आराम और ऐश की चीजें खूब हो गई, तुम्हारे अरमान भी पूरे हो। ये मेरा घर है, कोई होटल नहीं। हर एक को अपने दायरे में रहना चाहिए। अल्लाह की मेहरबानियां हैं हम सब पर, हर शय है जिंदा सिर्फ उसी रब पर। फिर क्यों कर हो गुरूर खुद पर जब एक खुदा ही है अपना आसरा। दायरा 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 दायरा। हनीमून के लिए कहाँ जाना है? कहाँ जाना है मैडम?